अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दोजाना का गुरुवार को मेरठ में UPSTF ने एनकाउंटर कर दिया था। मेरठ पोस्टमार्टम हाउस उसका शव लेने पहुंचे। बड़े भाई ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि UPSTF ने अनिल दोजाना को उस वक्त दिल्ली कर्कड़डोमा के बाहर से गिरफ्त में लिया था जब वह कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर मेरठ लाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। TV से उन्हें एनकाउंटर की जानकारी हुई। अनिल पर दर्ज सभी मुकदमे में उसे जमानत मिल गई थी। वह जमानत पर ही अभी 20 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। यह कहना है अनिल दोजाना के बड़े भाई ओम प्रकाश का। देखिए क्या कहा अनिल दोजाना के बड़े भाई ने। ओम प्रकाश जी, क्या लगते हैं आप अनिल के बड़े भाई में? बड़े भाई हैं। कल एनकाउंटर हुआ उनका, क्या कहना? यह कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था। अच्छा, वहीं से अगवा करके इसको एनकाउंटर किया। किसने किया? पुलिस ने, स्टेफ ने। अच्छा, वकील द्वारा कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था कड़कड़डोमा कोर्ट में। जैसे हमें पता चली थी, इतनी पता मेरे को TV में देखी थी हमने कि वो ढेर कर दिया एनकाउंटर में कल 4 बजे के आसपास। तो क्या कहना है इस पर, मतलब आगे कार्रवाई करेंगे क्या? क्या कार्रवाई करेंगे बताओ आप। मुकदमे दर्ज थे जिस पर जमानत पर सब पाया हुआ था। ये बाहर आते हैं, ये अभी 20 दिन हुए इसको आए को भी घेर के एनकाउंटर करा। ना को मार धाड़, ना को रंगदारी, ना को वसूली, ना को धमकाना, कोई मतलब नहीं। दो मिनट रंगदारी से कोई मतलब नहीं था इसका। अब तो जमानत से बाहर आया था अभी। नहीं बताया जा रहा है कि ये जो गवाह है आए थे वापस, उसके बाद में भी इन्होंने ना अभी तो 20 दिन है उसको धमकाने। ना उसने फर्जी लिखवाया था मुकदमा। वो खेड़ी के एक जयचंद की घरवाली, उसने पहले भी लिखवाया जब पहले आए थे जमानत पे। कहाँ से इसको पुलिस ने पकड़ा था? ये कड़कड़डोमा कोर्ट से। कड़कड़डोमा कोर्ट दिल्ली से? हाँ, वहाँ सरेंडर करने के लिए जा रहा था कोर्ट के बाहर से। हाँ, किस टाइम? ये हमको तो 3:30 बजे का भी पता पड़ा था TV द्वारा, समाचार में पता पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।